ईश्वर भावना के वश में है, ये एक सच्ची बात है। बहुत समय पहले एक स्त्री ने बड़े प्रेम से श्री लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित किया और फिर अपने बालक के समान उनका पालन पोषण करने लग गई। उन्हें रिझा रिझा कर खाना खिलाना, उन्हें लोरी सुनाकर सुलाना, उनका नित्य नया श्रृंगार करना, उन्हें अपने बच्चे की तरह हृदय से लगाना, उनसे तोतली भाषा में बात करना, दिन रात वो इसी लालन पालन में व्यस्त रहती थी। यूं मानो हृदय में सिफत गोविंद ही गोविंद समाये थे और किसी की तो उसे सुधी न थी। परंतु समय सदैव आगे बढ़ता है और समय के साथ साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। वो स्त्री समय के साथ वृद्ध हुई और बीमारियों ने उसके शरीर को पकड़ना शुरू किया, परंतु तब भी उसका प्रेम उसकी सेवा में किंचित मात्र भी फर्क नहीं आया। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो अपनी जगह से उठ भी ना पाए। पर लड्डू गोपाल को तो नहलाना खिलाना पिलाना था, अब क्या हो। ऐसे में उसने अपनी बहू को ये जिम्मेदारी सौंपी कि श्री गोविंद की दैनिक क्रियाएं वो संपन्न करा दे। बहू के लिए तो लड्डू गोपाल एक मूर्ति से अधिक कुछ भी ना थे। उसने जल्दी जल्दी उन्हें नहलाना शुरू किया, पर वो उसके हाथ से गिर गए। आवाज आई तो वृद्ध माई तड़प उठी और जोर से चिल्लाकर बोली, अरे मेरे गोविंद को गिरा दिया, उन्हें चोट आ गई होगी, डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लाला को चोट लगी है। सब हैरत में कि कैसे समझाएं ये मूर्ति है, कोई जीवित शिशु नहीं है। पर जब बहुत समझाने पर भी वो ना मानी तो उसे चुप कराने की मंशा से एक डॉक्टर को बुलाया गया और उसे श्री गोविंद जी को देखने को बोला गया। डॉक्टर मनी मन हंसा, बोला, माँ तुम्हारा लाड़ला बिल्कुल सही है। इतना सुनते ही वो स्त्री चिल्ला उठी कि बिना आला लगाए तुमने मेरे बच्चे को कैसे देख लिया। डॉक्टर ने उसकी बात रखने के लिए लड्डू गोपाल जी के हृदय पे आला लगाया और जैसे ही उसने अपने कान से सुना तो श्री गोविंद जी के हृदय की धड़कनें सुनाई पड़ने लगी। कभी वो आले को देखता, कभी माई को और कभी श्री गोविंद को। बोला, माई तुमने तो आज मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन करा दिए, अब और किसी बात का क्या फायदा। अब तो मैं उन्हीं की धुन में रहूंगा जिन्होंने मुझे अपनी धड़कनें सुनाई हैं। और इस प्रकार श्री गोविंद और माई को बारंबार प्रणाम कर सब कुछ छोड़कर इस संसार से विरक्त हो भक्ति की राह पर चल पड़ा। तो सच क्या है, ईश्वर भावना में है, ईश्वर प्रेम में है और ईश्वर विश्वास में है। इसीलिए प्रभु के प्रेम में रमो, उन्हीं की सेवा में जीवन लगाओ।